दूसरी चाबियां। जॉन अब्राहम और शर्वरी वाघ स्टारर फिल्म वेदा 15 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे लोगों ने फिल्म की तारीफ की। निखिल आडवाणी की डायरेक्शन में बनी वेदा रियल स्टोरी पर आधारित है। धर्म की रक्षा करूंगा। फिल्म में जातिगत भेदभाव के मुद्दे को उठाया गया है। मुख्य भूमिका शर्वरी ने निभाई है, जबकि जॉन अब्राहम उनके गुरु और पूर्व मेजर अभिमन्यु कवर की भूमिका में नजर आए हैं। तुरंत कोर्ट मार्शल का निर्देश देता है। पिक्चर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जॉन अब्राहम से जो ने हमने एक्सपेक्ट किया था वो पर्दे पे हमें देखने को मिला। और कहानी बेसिकली मैम बहुत ही अच्छा है। ऐसे बहुत छोटे से शहर है, कस्बे है, जहाँ जाति धर्म और मसले के खिलाफ बहुत सारी जंग होती है, जिससे हम अपरिचित रहते हैं, पता नहीं चलता है। ऐसे भी बहुत सारी जगह हैं, कभी कभी न्यूज़ में आते रहते हैं कि वहाँ पे ना किसी को पानी पीने नहीं दिया जा रहा, मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा। तो इससे रिलेटेड है, लोगों को जागरूक कर रही है मूवी। फिल्म देखने वालों का कहना है कि मूवी एक्शन से भरपूर है और कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की है। नियम कानून उसने बढ़ाया है। इट वॉज अ रियली वर्थ, मतलब आपके पैसे वर्थ होंगे। एंड द मैसेज इट डिलीवर्स एंड एवरीथिंग इज नॉट एट ऑल शुगर कोटेड। बहुत ऐसा रॉ रियलिटी दिखाई थी फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में लाइक इट गोज इन टू द एक्शन ड्रामा वैसे चली गई थी, बट इट वॉज रियली गुड। मतलब वो अपना सोल कभी छोड़ के नहीं जाता है। एक्शन पैक फिल्म है। सेकेंड हाफ इज मच बेटर। फर्स्ट हाफ स्टोरी बैकड्रॉप है, सो आई वुड से कि थोड़ा टाइम जाता है। सो अच्छी मूवी है। जॉन अब्राहम की एक्टिंग में आप एक्सपेक्ट मत करना, बट एक्शन उनका काफी अच्छा है। एंड रिवॉल्विंग कैरेक्टर्स जितने भी है, विलेन है और वो सब है, उन लोग का भी एक्टिंग काफी अच्छी की है उन लोग ने। फिल्म वेदा की स्टोरी असीम अरोड़ा ने लिखी है। इसे जी स्टूडियोज और एमए एंटरटेनमेंट और जे एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। मैं तो सिर्फ सारथी हूँ।